क्योंकि मैंने नए डायरेक्टर जनरल पुलिस के तौर पर ज्वाइन किया है, तो मैं सभी टाउन्स में जाकर लोगों से बातचीत करके, क्योंकि प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को और मजबूत बनाने के लिए नागरिकों की क्या सुझाव है, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके बारे में बातचीत करने के लिए था। मडगांव मैंने इसलिए चुना पहले क्योंकि मैं यहाँ पर पुलिस अधीक्षक रहा हूँ, दो बार रहा हूँ, तो जो ये शुरुआत है वो हमने मडगांव से की है। आने वाले दिनों में मैं अन्य कस्बों में भी जाऊँगी और इवन रूरल एरिया में भी जाऊँगी, पंचायतों से भी बात करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि गोवा एक बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पर किसी भी तरह से कोई समस्या जो है वो दरपेश नहीं आनी चाहिए। बाहर से टूरिस्ट भी आता है, फॉरेनर्स भी आते हैं, पूरे इंडिया से भी टूरिस्ट आता है, तो इन्हीं बात को लेके आज नागरिकों के साथ एक संपर्क सभा थी बेसिकली कि उनके क्या सुझाव हो सकते हैं। मुंबई में सुपर कॉप जूलियो रिवेलो करके जो है, जो उस वक्त के सुपर कॉप थे, उन्होंने मोहल्ला कमेटी बनाई थी। जब 92 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और राइड्स हो रहे थे, तभी उसके बाद एक मोहल्ला कमेटी बनाई। वो मोहल्ला कमेटी इतनी इफेक्टिव थी कि आज तक सारे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में आज तक राइड्स नहीं हुए। तो एक सजेशन था कि क्यों ना एक मोहल्ला कमेटी जो है, ये कॉन्सेप्ट हम गोवा में शुरू करें। कैनन जो रखता है प्रॉपर पेपर कल्चर, तो रूम कैसा बनाएगा, ये कैनन का कैसा रखेंगे, इनको ये प्रॉपर कौन सा भी हेल्प हमारे तरफ से नहीं मिल रहा है म्यूनसिपैलिटी की तरफ से, फिर भी ये लोग बना रहे। इसमें पुलिस का, हमारा पुलिस इंस्पेक्टर का, डीएसपी का थोड़ा हमारे को सहकार मिलता है कि उतना कैनन इलीगल तो बढ़ जाए, कम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम।